से कोई बड़ा नहीं हो जाता है किसी को अथी करने से, जो थे वही रहेगा, किसी से गाली देने से क्या होने वाला है, उसको नई मर्जी था, नई ऐसे नहीं मिला, नहीं मिला और क्या गाली क्या देना है इसमें। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग, आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी यूट्यूब पे बहुत फिर बवाल शुरू हो गया है, ये गुजरात से महिला गई थी, यहाँ दमन से हम लोग जहाँ रहते हैं अभी पासे में है, ज़्यादा दूर है, कितना दूर होगा यहाँ से दमन, यहाँ से 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर यहाँ से, मतलब 4 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से दमन। तो यहाँ से बोला रजनी और कौशल से मिलने के लिए गए थे, तो पता नहीं वो लोग मिले थे कि रात को, मतलब रुकने के लिए बोल रहे थे तो नहीं रुकने दिए, बोले कि जा, अगर नहीं मिलना था, नहीं मतलब उसको हेल्प करना था तो जब फ़ोन से बात करते थे तो उसी टाइम मना कर देना चाहिए कि हाँ नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा देर के लिए उसको बुरा भी लगता, मगर अपना नहीं जाते। अब मान के चले यहाँ से गुजरात से जाने में 3 दिन के सफ़र है, 3 दिन के सफ़र में उसको 2-3 हज़ार तो आराम से खर्च हो गया होगा। फिर बोल रहे थे कि उसको बच्चे का 2 सीट कपड़ा भी ले गए, 1 सीट साड़ी भी ले गए, और वो लोग गिफ्ट ले लिया, ले के बाद में बोलते हैं चलो फिर वो छोड़ देता हूँ, जहाँ जाना है जाओ, मान चलो बच्चा ले कर अकेले गई है। अब देखिए, अब यूट्यूब पे कोई भी काम कर रहा है तो देखता है तो थोड़ा उसको होता है चलो मेरे से बड़े हैं तो थोड़ा जाकर मिल लेते हैं, थोड़ा नहीं जिसको नॉलेज रहता है, नहीं मालूम रहता है तो थोड़ा जानने के लिए जाते हैं, और क्या ऐसे दोस्तों, जिसको नॉलेज नहीं रहता है तो थोड़ा सोचता है कि चलो मतलब मिल। हम लोग भी गए थे चंदा भाभी से मिलने के लिए, उनका देवर का शादी था तो मतलब गए थे मिलने के लिए, तो वहाँ रजनी कौशल, कन्हैया, सालू सहानी जो साथ में, रागिनी विश्वकर्मा भी आई थी तो मिले थे, मगर चंदा भाभी से मिलने गए थे तो बेचारे झूठ ना, बहुत हेल्प किए थे ना हम लोग, 3 दिन तक उनको घर पे भी रुके थे, मतलब सब उनको परिवार अच्छा है, अच्छे से मिले भी थे सबसे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसको नहीं मिलना है तो साफे माना कर देते, हाँ बाकी कोई के मतलब बीच रास्ता में जाके नहीं फंसाना चाहिए, नहीं कमरा का पीछे और कुछ, कमरा के सामने और कुछ बोलते हैं, वही ना, कमरा के सामने और कुछ बोलते हैं, कमरे के पीछे और कुछ करता है लोग, ये रुपया सोचता है मैं एकदम बड़ा आदमी हो गया हूँ, छोटा सा क्या मिलना है, नहीं भाई वो तो दिन सबको एक दिन आता है, ऐसे थोड़े है, सबको एक दिन आता है, ऐसे थोड़े है, अपना क्या है, अपना धुन भगवान है, सबको देखता है, थोड़े है किसी को नहीं देखता है, वही ना, एक जैसा सबके समय नहीं रहता है, जिसको थोड़ा नई नॉलेज रहता है तो चलो मतलब जाकर मिल लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं कैसे है। अरे चाहे अपना घर से तो पैसा तो दे नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं यही दमन में है तो पासे में है तो देखेंगे, अगर कोशिश करेंगे, अगर मिलेगी तो आप लोग को दिखाएंगे कि क्या सच तक क्या झूठ है, तो नहीं मालूम, और हम लोग किसी के फेरे में नहीं पड़ते हैं क्या है क्या नहीं, बहुत लोग हैं सब बवाल के चक्कर पड़ता है, क्या पढ़ना, अपने से मेहनत करो, अपने से एक दिन ना एक दिन वो भगवान वो देख देख दिन सबको देख देखा ऐसे नहीं देता, पब्लिक प्यार दिलार देगी तो सब देखेगा, सबको मैं भलाई हो गई थोड़ा, नहीं तो वो लोग तो ऐसा ही था ना, आप क्या करेंगे, वही तो है, जो तो वो लोग भी तो छोटे से भी बड़े हुए हैं, जीरो से हीरो बने हैं, तो एक दिन सबके सामने जो है, तो अगर नहीं मतलब वो लोग हेल्प करता तो बेचारी कहाँ जाती, 3 दिन के सफ़र में तुरंत तो ट्रेन है ना कि चलो घंटे घंटे में ट्रेन आती है सूरत गुजरात तो चली आएगी, ये तो नहीं है, उसको भी तो टाइम में पता नहीं शुक्रवार को कि संडे कैसे, मतलब कौन कौन दिन के रहता है, रोज तुरंत नहीं ट्रेन, तो यही था और क्या बोलना है, मगर यही बोलना है कि क्या झूठों के अपने से मेहनत करें, झूठों गाली गलौज देने से कोई फ़ायदा नहीं है क्या नहीं, और देखते हैं अगर यहाँ मालूम है कि दमन में रहती है, अगर मिले, हम लोग भी कोशिश में है, अगर मिलेगी तो जरूर एक बार कैमरा के सामने उसको क्या सच है क्या झूठ है लाएंगे सामने। तब तक सबको नमस्ते प्रणाम, आप लोग मेरे को भी सपोर्ट कीजिए, प्यार और आशीर्वाद दीजिए, तब तक बाय बाय, अब रहें।